हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन व्यास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहाँ से इजिली कोई वीडियो पे जंप करके अपने डाउट को या एक्सरसाइज सॉल्व करना हो तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारा जो क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, मे बी 6 क्वेश्चन है तो उसको खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट होगा तो क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स से पिनअप कर दीजिएगा। ये मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पर दिया होगा, वहाँ पे आप उसको शेयर करके मैं आपको डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन में जो होता है टर्मन एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है सॉल्व करने समय, क्योंकि कुछ उन्हें लॉग की प्रॉपर्टी कुछ पता ही नहीं होता है। एक तो बहुत सीबीएसई बोर्ड में बहुत ये ख़राब आदत है कि लॉगरिथम फंक्शन हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये स्टार्ट करता है क्लास 10th से। ठीक है, क्लास 10th से और क्लास 11th से लॉगरिथम फंक्शन स्टार्ट करता है। और ईपी बोर्ड का जो सिलेबस था पहले वाला ना, वहाँ पर क्या करता था, वो क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉग और ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी भी लॉग के बता देता हूँ क्या क्या होता है, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो एक पर्टिकुलर वीडियो ले आ दूंगा लॉग वाले फंक्शन पे, कैसे लॉग वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक मैं प्रॉपर वीडियो ही लेके चलाऊंगा, उस तरीके से अच्छा हो रहेगा, बेनिफिट होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले ये देखिए, ये दिया है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई टू द पावर 1 - x से पढ़ते हैं, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अभी ये जो आता है इस तरीके से बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले इसे कॉमन डोमेन फाइंड आउट करेंगे। दो फंक्शन का कॉमन डोमेन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन का ऑपरेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल होता है कॉमन डोमेन में ही। तो क्या करेंगे, पहले इसका कॉमन डोमेन हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद से इजीली इसका ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम देखते हैं फंक्शन हमें क्या दिया है। फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई टू द पावर 1 - x, एंड आपको दूसरा फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा क्या लेता है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही देता है। क्या होता है, इंटीजर वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि ये हमेशा कौन सा वैल्यू देता है, अपने वैल्यू से लेस देन या इक्वल टू वैल्यू देता है। क्या देता है, लेस देन इक्वल टू एक्स जो वैल्यू देता है ये हमेशा। ठीक है, इक्वल टू देता है। जैसे हम यहाँ पे पुट करें, अगर मान लीजिए जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करें, 1.23 पुट करें, इस तरीके से इंटीजर वैल्यू पुट करें। ठीक है, जी एक्स एक्स की वैल्यू पे हम ये पुट करें तो ये जो आ जाएगा 1.23, तो हमेशा क्या देगा, ये देखिए इंटीजर वैल्यू तो हमेशा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। क्या देगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या देगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। क्या देगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। तो 1.23 इससे क्या देगा, इससे या तो इक्वल देगा या इससे कम देगा, लेकिन कोई इससे इंटीजर ही वैल्यू देगा। ठीक है, कोई एक इंटीजर ही वैल्यू, तो इससे 1.23 से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 इंटीजर हो सकता है, तो 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। या जी इक्वल टू, अगर मैं 3 यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम बोला था क्या, लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या वैल्यू देगा, एक 3 वैल्यू देगा। बात समझ में आ रहा है, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो डोमेन होता है, सिंपल हमें डोमेन की बात करना है, तो डोमेन तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसका क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डोमेन ऑफ जो जी होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं d1, d2 डोमेन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, d2 ऑफ g ना इज इक्वल टू क्या, एक रियल नंबर है। पहले के दूसरा का डोमेन निकल गया, इसका डोमेन निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा, लॉगरिथम फंक्शन जो होता है ना, लॉगरिथम फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि इसका बेस जो होना चाहिए ना, ई जो क्या है, इसका बेस है, ई क्या है यहाँ पे बेस है। ठीक है, और 1 - x क्या है, इसका पावर है, क्या है, पावर है। तो हमेशा इसका पावर जो होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए,
हमेशा वो ग्रेटर देन, इसका जो पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जिसका पावर जो होता है ना, पावर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब इसका इसका कहने का मतलब, इसका पावर का हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोल सकते हैं पावर, पावर मान लीजिए कि पावर हम एक्स मान लेते हैं, पावर यहाँ पे क्या मान सकते हैं, इसका पावर क्या है, एक्स है, मान लीजिए पूरा पावर एक्स है, तो एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और ना ही उसका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका पावर, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है और उसकी बेस जो होती है ना स्टूडेंट, बेस बेस जो होता है वो वन नहीं होना चाहिए, और कहने का मतलब जो बेस जो होता है उसका जीरो नहीं होना चाहिए और इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, इसका बेस के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं लॉगरिथम फंक्शन के, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अगर हम डोमेन निकालने याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस जो होगा ना, जो यहाँ पे ई जो होगा, मान लीजिए बेस इसका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बेस ए है, मान लेते हम ए बेस है, तो इसका जो होगा ना, ए हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन, ए नॉट इक्वल टू वन, ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई एक लघुगणक फंक्शन लॉग ए है, लॉग बेस ए है टू द पावर एक्स है, तो इसका प्रॉपर्टी ये फॉलो होना चाहिए कि ए जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू जो पावर हो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तब इस केस में, इस केस में इसका डोमेन जो आता है, इस केस में यहाँ पर डोमेन जो आता है वो क्या आता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जो होता है लॉगरिथम फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है कि ए, ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू वन, ए डज नॉट इक्वल टू वन पहला प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा बात ये होना चाहिए कि जो इसका जो पावर है, जो इसका पावर है एक्स, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए अगर कोई भी लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम फंक्शन है तो, ठीक है, तभी वो डिफाइंड होता है लॉग। बात समझ में आ गया। अब इसका हम डोमेन निकालते हैं, तो आई होप कि थोड़ा सा लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आपको पता चला होगा। मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आऊँगा डोमेन पे, सॉरी लॉगरिथम फंक्शन पे, कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, पूरा उसकी प्रॉपर्टीज सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक मैं उसका ब्रीफ वीडियो ले आऊँगा, तो उसको देखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए अब इसका डोमेन हम निकालना है, तो यहाँ पे क्या डोमेन निकालना है, तो क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पावर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वन, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन वन, मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन वन होनी चाहिए। तो लेस देन वन का मतलब क्या, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x माइनस इन्फिनिटी टू, x माइनस इन्फिनिटी टू क्या बिलोंग करेगा, x माइनस इन्फिनिटी टू वन, x माइनस इन्फिनिटी टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए ये। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी टू डोमेन हो गया है, ये डी वन डोमेन हो गया, ये डी टू डोमेन हो गया, ठीक है, ये डी टू डोमेन हो गया, डी टू मान लेते हैं, ठीक है, डी टू डोमेन ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लें हम, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, डी वन इंटरसेक्शन डी टू मतलब क्या है, डी एफ वन, डी एफ इंटरसेक्शन डी टू जी। तो इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू वन, इंटरसेक्शन रियल नंबर, तो अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इन दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन ये आ जाएगा। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन वाला केस में थोड़ा सा डोमेन डिफरेंट करता है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कि डी वन इंटरसेक्शन डी टू जो आया वो क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वन, ये आ गया आपका। अब इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, हमें क्या निकालना है, एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी जो फंक्शन जो वेरी करेगा वो कहाँ से जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू वन जाएगा इसका कॉमन डोमेन, और रेंज क्या देगा, रियल नंबर देगा। अब इसको ऐड करेंगे तो एफ प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब दोनों फंक्शन को लिख दीजिए, एफ एक्स क्या दिया आपका, एफ एक्स दिया है लॉग ई, लॉग ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, और जो जी एक्स आपका क्या दिया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया है। इस तरीके से इसका एडिशन पॉसिबल होगा, बात समझ में आ रहा है, ऑडिशन पॉसिबल होगा। तो ऑडिशन के लिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं सेकेंड सॉल्व करता हूँ, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या दिया, एफ इंटू जी निकालना है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, सेम डोमेन ही होता है, डोमेन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन केस में भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इंटू जू जी मैं निकालूंगा, तो इसके लिए जो डोमेन होगा वही होगा माइनस इन्फिनिटी टू वन टू द रियल नंबर,
हमेशा वेरी करता है डिवीजन के केस में, क्योंकि डिवीजन वाला ये वाला फंक्शन जो होना चाहिए ना, डिनोमेटर वाला फंक्शन, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसी में उसका जो क्या होता है डोमेन, उसका वेरी करता है, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सबके लिए एक बार इंटरसेक्शन निकाल दिए दोनों फंक्शन का, वही डोमेन रहता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इंटू जी इंटू एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स, एफ एक्स की फंक्शन क्या दिया, लॉग ई टू दी पावर वन माइनस एक्स, और जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स आपका दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू ये, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में, थर्ड केस दिया है एफ अपॉन जी, तो इसके लिए देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो देखिए हमेशा डोमेन क्या होना चाहिए, ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाएगा कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको रेस करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट किया है कि कोई बच्चे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए उसको, ठीक है। देखिए थर्ड वाला केस में क्या होगा, हमें क्या निकालना है, एफ अपॉन जी निकालना है। इसके लिए डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन कहने का मतलब नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। और पहले वाला केस में क्या था, डी वन इंटरसेक्शन डी टू क्या आया था, डी वन इंटरसेक्शन डी टू आया था आपका माइनस इन्फिनिटी टू वन आया था। देखिए जो ये इंटरवल किया है ना, ये जो इंटरवल इंक्लूड किया है, ये जो इंटरवल इंक्लूड किया है, इसमें जीरो भी आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जब वन तक जाएंगे तो इसमें तो जीरो भी तो आएगा, जीरो भी लाई करेगा, और नीचे क्या होना चाहिए, बस जीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसमें से क्या करें, इसमें से अगर मैं वन को निकाल दूँ, अगर बस जीरो ही तक रहने दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू क्या, जीरो अगर ले लेता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा, इस डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड है कि नहीं है, डिफाइंड है ना, ठीक है। इस इंटरवल में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे देखिए ये फंक्शन का इंटरवल अगर मैं लाइन में बनाऊँ इस तरीके से, तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वन होगा, यहीं पर कहीं वन होगा। अब इस जी के लिए, जी का डोमेन क्या था, डोमेन ऑफ जी क्या था, आपका एक रियल नंबर था। लेकिन ये थर्ड कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका जो डोमेन ऑफ जी होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ये जीरो क्या आ जाएगा, जब नीचे जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए क्या होगा, आर में से जीरो माइनस कर दीजिए। तो अब इन दोनों का अगर एफ का डोमेन देखूँ तो एफ का डोमेन तो क्या आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी तो वन आ रहा था, एफ का डोमेन आ रहा था नहीं आया था, डोमेन ऑफ एफ, देखिए डोमेन ऑफ एफ क्या आ रहा था आपका, माइनस इन्फिनिटी टू वन। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेंगे, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या, ये भी एक रियल नंबर का पार्ट है और ये पूरा रियल नंबर माइनस जीरो, तो कॉमन तो यही आएगा, लेकिन इसमें से एक जीरो घट जाएगा, क्या घट जाएगा, जीरो घट जाएगा, तभी तो कॉमन आएगा, जीरो निकल जाएगा तभी तो ये कॉमन आएगा। तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्ट, इसका जो इस केस में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि f अपॉन g जो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो से रियल नंबर, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिवीजन कर सकते हैं, तो f अपॉन g इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, लॉग e टू द पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले के नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं g अपॉन f के केस में, इसको कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले f, वन अपॉन f का ही डोमेन निकालेंगे डिनोमेटर वाले फंक्शन का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, देखिए सेकेंड केस में देखते हैं, दिया आपका फंक्शन g अपॉन f दिया है, g अपॉन f दिया है। तो अगर f की वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये g अपॉन f क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर टेंड कर देगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमें डिफाइंड में रखना है फंक्शन, तो इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एफ एक्स फंक्शन दिया क्या, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है लॉग e टू द पावर वन माइनस एक्स। अब ये वन माइनस एक्स हमें क्या पता है, वन माइनस एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या तो जीरो नहीं होना चाहिए या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये होगा। तो एक कंडीशन क्या बनेगा, एक्स वन माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और एक कंडीशन बनेगा कि वन माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन बनेंगे, पावर हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एस एक्स लेस देन वन आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू वन,
डज नॉट इक्वल टू वन. तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे इंटरवल एक आएगा आपका, यहाँ पे इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन. और यहाँ पे मैं अगर कोई एक इंटरवल बनाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू वन. मतलब नॉट इक्वल टू वन का मतलब क्या है, जीरो से वन भी हो सकता है, जीरो से वन भी बिलोंग कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता. यहाँ पे x बिलोंग्स टू कर देंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू यहाँ पे होगा. तो अगर मैं इसको अगर यूनियन के फॉर्म में लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, यूनियन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी. कंबाइन फॉर्म में करें, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, हम यूनियन लगाते हैं, क्या करते हैं, यूनियन लगाते हैं. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बात समझ में आ गया. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो इसका डोमेन क्या आएगा, ये आएगा डोमेन ऑफ एफ, क्या आएगा डोमेन ऑफ एफ, ये आएगा. और डोमेन ऑफ जी आपको पता ही है, डोमेन ऑफ जी आपको पता है क्या है, रियल नंबर है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, तो वह क्या आएगा, आर में से जब भी कॉमन करते हैं यही वाला एलिमेंट आएगा. तो ये वाला एलिमेंट कॉमन आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो से वन, ये आएगा आपका कॉमन डोमेन. तो ये डोमेन हो जाएगा इस केस के लिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आपका ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है. तो डोमेन पता चल गया, अब आसानी से क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है. तो डिवीजन होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे जी अपॉन एफ जो इसका जो डोमेन होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू वन, ठीक है. अब इन दोनों का जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल जाएगा, यहाँ पे रियल आपका रेंज देगा. तो यहाँ पे जी अपॉन एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स अपॉन एफ एक्स. तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई टू द पावर वन माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. तो आई होप कि ये चारों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा. आते हैं थोड़ा नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको देखते हैं. कह रहा है कि f प्लस जी माइनस वन की वैल्यू बताइए, f प्लस जी माइनस वन की वैल्यू. तो f प्लस जी क्या आया था, इन दोनों फंक्शन को ऐड करना था, f प्लस जी, तो इन दोनों फंक्शन को ऐड किए थे तो हम वहाँ वैल्यू निकाला. अभी और देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन दिया गया इसमें भी वैल्यू बोला निकालने के लिए. सेकेंड दिया आपका इसी में कि दी जी अपॉन एफ का 1/2 पे वैल्यू निकालिए, मतलब इसका 1/2 पे वैल्यू निकालिए. तो यहाँ पे क्या आएगा, जी अपॉन एफ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 पुट कर दो और वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, यही तो आएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log e टू द पावर 1 माइनस 1/2, इस तरीके से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, 0.5. तो हमें बताया था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू x, तो लेस देन इक्वल टू 0.5. तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू, तो इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर क्या आएगा, इससे कम. तो 0.5 का पीछे वाला इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा. तो ऊपर क्या आएगी, वैल्यू जीरो आएगी. और नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, लॉग ई टू द पावर 1 माइनस 1/2, तो जीरो जीरो में कुछ भी से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो. तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आता है, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत होती है कि हमेशा क्या देगा, इस वैल्यू से पिछला वाला इंटीजर देगा, पिछला वाला इंटीजर देगा, अगर वो क्या है, डेसिमल में कोई वैल्यू दी गई है तो. और इंटीजर में दिया रहेगा तो इक्वल टू दे देगा, वही वैल्यू दे देगी, ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. और आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें देख लेते हैं कि एफ अपॉन जी पे 1/2 निकालना है, एफ अपॉन जी पे 1/2. एफ अपॉन जी क्या फंक्शन आएगा, एफ अपॉन जी, ठीक है. इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देता हूँ. देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा. देखिए एफ अपॉन जी पे वैल्यू क्या आएगी, वो देखिए. पहले बोल रहा है कि एफ अपॉन जी पे वैल्यू, एफ अपॉन जी 1/2 पे निकालिए. तो एफ की फंक्शन क्या दिया आपका, लॉग e टू द पावर 1 माइनस एक्स, और g आपका आएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा. अब 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी. तो यहाँ पे log e टू द पावर 1 माइनस 0.5 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.5. अभी बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी क्या हो, 0.5 हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से देखिए, जी एक्स हो, जी 0.5 हो, और यहाँ पे क्या आता है, ये 0.5 होते, इसके इक्वल हो या इससे कम इंटीजर होते, इससे पिछले वाला इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे कुछ भी हो, ऊपर ये लॉग ई टू द पावर 1 माइनस 0.5 हो, और नीचे क्या आएगा, जीरो. तो कोई भी चीज़ जीरो को डिवाइड करता है तो क्या आता है, वो एक इन्फाइनाइट वैल्यू देती है, ठीक है. तो इन्फाइनाइट हो जाएगा उसका, नॉट डिफाइन हो जाएगा, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एफ इंटू जी जीरो बताना है, ठीक है. थर्ड केस बोल रहा है, फिफ्थ का, कि f इंटू जी जीरो बताना है. तो f इंटू जी क्या आएगा, यहाँ पे देखिए f इंटू जी जीरो बताना है, ठीक है, ये बताना है आपको,
ठीक है, ये बताना है जीरो पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ इंटू जी आप करेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले ये देखिए लॉग ई, लॉग ई टू द पावर वन माइनस एक्स इंटू एफ, ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो बताना है तो एफ इंटू जी जीरो, तो क्या आएगा ये लॉग ई टू द पावर वन आ जाएगा और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो की वैल्यू क्या आती है, जीरो आता है, मतलब लॉग ई टू द पावर वन इंटू जीरो क्या आएगी, जीरो आ गई वैल्यू, ठीक है, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो जीरो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्या बोल रहा है कि एफ इंटू, अब बोल रहा है कौन सी वैल्यू निकालनी है, दूसरी पर देख लीजिए कौन सी वैल्यू निकालनी है, बोल रहा है कि एफ प्लस जी माइनस वन पे निकालना है, एफ प्लस जी माइनस वन, तो एफ प्लस जी माइनस वन करिए यहाँ पे, एफ प्लस जी पे माइनस वन पे वैल्यू निकालेंगे तो एफ प्लस जी आएगा क्या, पहले पहले आएगा लॉग ई, लॉग ई टू द पावर वन माइनस, वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स पे क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी के जगह पे माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई टू द पावर टू और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू होता है तो इंटीजर देता है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था और समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी एक्सरसाइज हेल्प कर सॉल्व करते समय ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एफ जी एच आर थ्री रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू अब दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फंक्शन का कॉमन डोमेन निकालना पड़ेगा, ये तीनों फंक्शन का डोमेन कॉमन क्या है, क्योंकि कॉमन डोमेन में ही क्या करते हैं हम, फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए तीनों फंक्शन का डोमेन अलग अलग है, अलग अलग है, तो एक फंक्शन में उसका डोमेन की वैल्यू कुछ अलग है और दूसरा फंक्शन में वो डोमेन पे उसकी वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो एडिशन कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो दोनों फंक्शन कब ऐड होंगे, जब उनके दोनों के डोमेन सेम होंगे तभी ऐड करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि एक फंक्शन का डोमेन का लिमिट इतना है, लेकिन दूसरे वाला डोमेन क्या पता, उससे बड़ा हो, तो उससे बड़ा होगा तो पहले वाले डोमेन पर तो उस वैल्यू पर कुछ वैल्यू फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन दूसरा वाला फंक्शन क्या हो, डिफाइन ना हो उस वैल्यू पर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दो फंक्शन को हम कॉमन डोमेन में ही ऐड और सबट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे, तो पहले डोमेन निकालते हैं एक एक करके, उसके बाद से इनका पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहला आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट की खासियत ये होती है, स्क्वायर रूट की खासियत ये होती है कि अंदर एक निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो खासियत ये होगी। तो अब डोमेन निकालना हमें, तो x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन बनती है, तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से अगर मैं इसका निकालूँ तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, वन से माइनस वन से बड़ा या माइनस वन हो सकता है, मतलब ये लाइक करेगा इसका इंटरवल जो निकलेगा x बिलोंग्स टू माइनस वन से बड़ा, माइनस वन से बड़ा मतलब क्या, प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसका डोमेन हो गया, मतलब यहाँ से कहने का मतलब डोमेन ऑफ एफ जो आ गया आपका वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया पहला डोमेन। दूसरा देखिए जी एक्स आपका दिया है, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, वन बाई एक्स, देखिए हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, बस एक्सेप्ट जीरो, जीरो यहाँ पर पुट करते ही क्या चल जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं तो जो आपका ये होगा जी एक्स जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो हो जाएगा, वन अपन जीरो, और वन अपन जीरो का मतलब क्या है, इन्फिनिटी चला जाएगा ऊपर, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो मतलब क्या होना चाहिए, जी एक्स की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो, जीरो को उसमें से निकाल दीजिए, ये आ गया डोमेन। थर्ड केस में निकालते हैं डोमेन ऑफ एच, एच एच एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एच एक्स इक्वल टू दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, सॉरी एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, जब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा क्या देगा, एक पर्टिकुलर रियल नंबर देगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि डोमेन ऑफ g जो होता है, डोमेन ऑफ h जो होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन दिया हो, क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से कोई भी दिया हो, उस तरीके से अगर डोमेन उसका निकालना हो तो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर ही आता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करने पर कुछ ना कुछ वैल्यू देती है, तो वो फंक्शन डिफाइन होता है, तो रियल नंबर हो जाएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन में निकालो क्या हो जाएगा,
तीनों का मैं अगर इंटरसेक्शन निकालूँ, अगर इंटरसेक्शन की बात करें हम, तो इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे निकालते हैं तीनों फंक्शन का, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो डी इंटरसेक्ट डी एफ डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच, तो कॉमन डोमेन क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये बोल रहा है कि माइनस सॉरी वन से लेके इन्फिनिटी इंटरसेक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इंटरसेक्शन रियल नंबर, ये आपका दे रहा है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, ये रियल नंबर है तो सबसे बड़ा सेट तो यही है, सबसे बड़ा सेट तो यही है रियल नंबर। तो अब देखिए इसमें भी रियल नंबर है, बस इसमें से जीरो निकाल दीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला पार्ट क्या आएगा, वन से लेके इन्फिनिटी और इसमें से एक जीरो एलिमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सेट है, तो बड़ा बड़ा सेट में मतलब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा, इसमें कंटेंट होगा रियल नंबर में, हुआ कि नहीं होगा, हुआ। तो ये बस क्या करिए, इसमें से जीरो निकाल दीजिए, इस इंटरवल से जीरो निकाल देंगे तो वही कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो आपका जो इंटरवल आएगा वन से लेके इन्फिनिटी, वन से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो से निकाल दीजिए, ये आपका तीनों का इंटरसेक्शन का कॉमन डोमेन यही आएगा। तो यही एडिशन में होगा, आपका जो आपका तीनों फंक्शन का एडिशन किया है या सब्ट्रैक्शन किया है, तो कॉमन डोमेन उसका यही होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम इजीली क्या कर लेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी इंटरवल में ये फंक्शन ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं इसी इंटरवल में। तो देखिए हम पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला है कि सोल्यूशन ऑफ 2f प्लस जी माइनस एक्स एच, जीरो वैल्यू निकालनी, ये बोल रहा है कि जीरो है तो मतलब क्या, x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो, तो मान लीजिए यहाँ पर हम x ही लिख लेते हैं, तो इस फंक्शन की क्या आएगा, x यहाँ पे लिख लेते हैं x के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 2fx आ जाएगा प्लस gx आ जाएगा और माइनस hx आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो fx आएगा, यहाँ पे gx आएगा, यहाँ पे hx आ जाएगा। अब बोल रहा है कि x इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इक्वल टू जीरो पे, और इसका इस फंक्शन का हम देख रहे हैं कि डोमेन क्या है, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। तो देखिए इसका डोमेन में जीरो है ही नहीं है, यहाँ पे क्या निकल गया, इसके डोमेन में से जीरो निकल गया है। तो जब डोमेन में जीरो है ही नहीं तो ये फंक्शन कहाँ वैल्यू देगा, वैल्यू तो फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है जीरो पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो ये आपका फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि डोमेन में तो उसकी वैल्यू जीरो है ही नहीं, तो कहाँ से पुट कर देंगे जीरो। देखिए ना यहाँ पे वन से लेकर इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, जीरो को बाहर निकाल दिया गया है इस इंटरवल में से। तो जब जीरो है ही नहीं इस इंटरवल में उसका डोमेन में, तब जीरो पे कहाँ वैल्यू निकल जाएगा फंक्शन। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन डज नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि डोमेन में उसका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एट x इक्वल टू जीरो जो आपका फंक्शन जो है 2f प्लस जी माइनस एच जीरो इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि क्या लिख देंगे, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू इसका डोमेन में, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, वन से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो माइनस जीरो, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सेकेंड देखिए बोल रहा है कि वन पे, तो हाँ इसमें वन लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं पुट करिए, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एफ वन प्लस जी वन माइनस एच वन, ठीक है, एक्स इज पे। अब जो जो फंक्शन दिया गया है पुट कर दिए, टू एफ एफ वन, एफ वन की मतलब, एफ वन की वैल्यू मतलब क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, एफ वन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन पुट करिए, तो एफ वन क्या दिया आपका, ये दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इज पे वन प्लस वन आ जाएगा, प्लस जी में वन क्या आ जाएगा, तो वन अपॉन वन आ जाएगा, एच में क्या दिया है, एच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वन का स्क्वायर, ठीक है, और क्या दिया, माइनस थ्री दिया, माइनस थ्री, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस रूट टू, इसको ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वन, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस टू हो जाएगा और ये प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर, और फोर में से टू जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रूट टू प्लस टू, ये क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला का। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कैसे क्या आया होगा आपका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि बुक में आपका जीरो दिया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर दिया है, एक का जीरो दिया है, एक का डज नॉट एग्जिस्ट दिया, तो जीरो तो आंसर नहीं होगा इसका, ये सही कर लीजिएगा, टू रूट टू प्लस टू आया आंसर होगा, तो बुक में थोड़ा मिसप्रिंट दिया है, तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन पे, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, तभी भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या इंस्टा आईडी मेरा दिया गया है वहाँ पे आप उसको कॉन्टैक्ट करके फॉलो करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा, क्योंकि बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको पता होगा जो भी फंक्शन देते हैं हम क्या करते हैं, उसको हम वाई लेट कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। उसके बाद से एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की वैल्यू मिलती है, हम प्लॉट एक चार्ट बनाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट पुट करके और सारे लाइन पॉइंट को हम क्या करते हैं मीट कर देते हो, तो आपका ग्राफ रेडी होता है। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी ट्रिक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें फंक्शन दिया है यहाँ पे, सॉल्व इसे करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ के लिए हम सिंपल एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं वाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं वाई लेट कर लेते हैं, इस तरीके से लेट कर लेते हैं। तो दिया हमें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक y इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स जब x लेस देन 0 होगा, एक y इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और एक क्या आएगा y इक्वल टू x प्लस 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए पहला ये x एक्सिस है, पता है ये y एक्सिस है, ये y डैश है, और ये क्या आपका ओरिजिन है 0, 0, ठीक है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 1 है, तो मान लीजिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होगा, ये होगा यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 दे रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट क्या है 1 है, y का क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, y का पॉइंट ये है। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका देखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, x की वैल्यू 0, y का मान 1, ये पॉइंट आ गया, ठीक। अब बोल रहा है कि x नेगेटिव, इधर लेफ्ट को आते हैं तो क्या होता है, x नेगेटिव होता है, इधर x क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि x जब नेगेटिव होगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी 1 माइनस x होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि हम x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, माइनस 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1, यहाँ पे पुट करिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या आएगा, हाँ तो क्या आएगा y की वैल्यू 2 आएगी। तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ ऊपर तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी माइनस 2, आएगी नहीं आएगी, माइनस 2 आएगी ना, y की वैल्यू माइनस 1 पे क्या आएगा 2 वैल्यू आएगी, इस तरीके से जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू क्या पुट करूँ, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करूँ, तो y इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस माइनस 2 मतलब माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इधर 2 आएगा तो इधर ये माइनस 2 आ जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, इस तरीके से बस 2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका इसके लिए हमने निकाल लिया। अब इसके लिए पॉजिटिव वाले के लिए निकालते हैं, तो अगर x इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं 1, बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा। x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 आएगा। तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 पे क्या देगा 2 दे रहा है y, तो 2 क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे जाएगा, 2 की वैल्यू यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आएगा। अब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो 3 क्या है मान लीजिए यहाँ पे कहीं 3 है, इस तरीके से लाई कर रहा है। अब इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए, जब मिलाएंगे तो आपका जो ग्राफ जाएगा कोई भी अगर पॉइंट आता है, कोई नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो इसी तरीके से लाइन बनाएगा, ये जो होगा ये यहाँ स्टार्ट होगा इस तरीके से, ये तीनों लाइन को मैच करते हुए इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। आगे भी वैल्यू पॉइंट करेंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और इसको जब मैच करेंगे आप, जब इसको मैच करेंगे तो आपका इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से ग्राफ क्या होगा आपका ऊपर की तरह जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो है क्या, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है, तो ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इक्वल टू 0 को, वाई इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, पॉइंट निकाल के 2-3 पॉइंट निकाल के इस तरीके से पॉइंट को मिला, पॉइंट को इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा देते हैं, उसके बाद स्केल से हम क्या करते हैं उस पॉइंट को मिला देंगे, तो आपका ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। तेरा आपको क्वेश्चन नंबर 7th, आई होप कि समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जब आपको अच्छा क्वांटिटी मिल रहा है, गुड क्वांटिटी आपको कंटेंट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जब अच्छा लाइक मिलता है वीडियो पे, अच्छे से कमेंट कुछ आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ वर्क कर रहे हैं, तो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल अपनी सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो इतना बस आप काम कर सकते हैं,
छोटी सी काम है कर दीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9-8 क्या दिया, उसमें आपका डोमेन दोनों का डिफाइन दे दिया गया। तो सिंपली हम इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा और इजीली जिस तरीके से पहले हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, हम इजीली वहाँ से फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आपको डाउट होगा तो मेरा इंस्टा आईडी पे क्या होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वहाँ से फोटो क्लिक करके वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको कोई डाउट रह गया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन तब भी डाउट है तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स से पिनअप कर देंगे, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, जो आपका क्या है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लगा, मैंने उसे सॉल्व करा देता हूँ। डिफरेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और पीछे भी तो सॉल्व करा ही दिया है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है, टू रियल फंक्शन है, इसको हमें सम करता है, ये सब ऑपरेशन हमें करना है। तो देखिए इस फंक्शन के लिए आपका डोमेन क्या होगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ही वैल्यू पुट करिए, एक फाइनाइट वैल्यू देगा डिफाइन आपके लिए। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर आएगा। gx आपका दिया है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे डोमेन इसका क्या आएगा, कुछ भी पुट करिए x की वैल्यू कुछ ही पुट करिए, एक फाइनाइट ही वैल्यू देगा। तो फिर ये क्या होगा, डोमेन ऑफ जी जो होगा, कुछ ही पुट करेंगे मतलब क्या, रियल नंबर पुट करिए, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू देगा, जी एक्स डिफाइन होगा, तो इसीलिए इसका भी डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गया दोनों का। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन करता हूँ डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी, तो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि इन दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं ये सब ऑपरेशन, हम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम निकाल सकते हैं f प्लस जी, तो इसका डोमेन क्या आएगा, रियल टू रियल जाएगा। तो f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, fx प्लस gx। तो fx की वैल्यू क्या दी है, fx की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, 2x प्लस 1। ये किसके फार्मूला बन रहा है, क्या ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा एडिशन के केस में, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में बाद में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेकेंड देखिए इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाला केस में भी f माइनस जी, तो इसका भी डोमेन तो वही रहेगा, क्या जाएगा, रियल नंबर टू आर टू आर जाएगा। तो f माइनस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा, टू है ना, टू एक्स है, हाँ टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस वन। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन का स्क्वायर करूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस होना, हाँ माइनस होगा, ठीक है माइनस, इस तरीके से मैं करूँ तो कोई फार्मूला बनेगा क्या, नहीं कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पे, अगर माइनस के लगाऊँ तो कुछ नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, ठीक है कुछ नहीं बनेगा। तो ठीक, तो इसी तरह यहीं पर रहने दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन केस में दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा, कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला, आप खुद से कर लीजिएगा। क्या एफ इंटू जी एक्स करना है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, टू एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, डोमेन तो आर ही से आ जाएगा। इस केस में एफ अपॉन जी के केस में क्या होगा, थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होगा, क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा डोमेन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, कॉमन डोमेन बता सकते हैं क्या होगा, आर माइनस एक्सेप्ट जीरो हो जाएगा, जीरो तो निकालना है इसमें से, आर में से एक्सेप्ट जीरो कर दीजिए, आर जीरो निकाल दीजिए। तो बस इसके लिए डोमेन थोड़ा सा वेरी करेगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए पहले, वीडियो को पॉज करके। आई होप कि आपको एक्सरसाइज ही सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आते हैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। एफ अपॉन जी, इसके लिए जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, आर माइनस एक्सेप्ट जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बस जीरो निकाल देंगे, क्योंकि एफ जीरो पे क्या होगा, अगर जीरो पुट करते हैं, नहीं यार जीरो पे भी नहीं होगा, जीरो पे भी नहीं हो रहा है, सॉरी। देखिए जी एक्स हमें क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन। तो इसके लिए क्या होगा, ये जीरो कब होनी हो, जीरो कब होगा, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कब होगा, किस वैल्यू पे एक्स के जीरो होगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू मैं देखूँ तो ये माइनस वन अपन टू, एक्स जब पे माइनस वन बाई टू अगर पुट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो होगा। तो हम क्या कर देंगे, रियल में से
माइनस वन बाई टू निकाल देंगे। तो ये आपका जो आएगा डोमेन इंटरसेक्शन डी वन इंटरसेक्शन डी टू इस केस में ये आएगा, ठीक है। ये डोमेन होगा ठीक है। मैं सोचा कि बस x है तो ठीक है, ये डोमेन होगा, ये कॉमन डोमेन होगा, माइनस वन बाई टू निकाल देंगे रियल में से। तो अगर मैं इसका लिखूं f अपॉन g का डोमेन तो क्या होगा, r एक्सेप्ट माइनस वन बाई टू से रियल जाएगा ये। तो f अपॉन g इंटू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, टू एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना एक कॉमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर ठीक है। तो एक फीडबैक तो आप जरूर दीजिएगा, कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।